हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रितिका दुकापाल फ्रॉम माय चैनल रितु व्लॉग्स, और आज मैं आप लोग के साथ में मेरा ट्रैवल व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आज मैं प्रिशा के साथ में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी। शी इज़ नाउ 1 year 4 months old। लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था वो सिर्फ 3 months old थी, तो उसके साथ ट्रैवल करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। बट नाउ शी इज़ 1 year 4 months old, तो लेट्स सी कि हमारा ट्रैवल कैसा रहता है। सो अभी एट प्रेजेंट हम अबिजान एयरपोर्ट पे हैं। ड्यू टू कोरोना वायरस जो गैदरिंग है वो थोड़ी कम थी। बाकी हमने ट्रैवल किया था 11th of March को। सो अबिजान एयरपोर्ट पे ये कॉर्नर पे ही हमारे गेट के पास ही एक प्ले एरिया टाइप बने हुआ था, जिससे बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तो हमने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी उनको एयरपोर्ट पे पहुँच के ही करवाया था, ताकि वो लोग काफ़ी एनर्जेटिक रहे और फ्लाइट में जाके आफ्टर टेक ऑफ वो सो जाए। तो बस अभी प्रशा एंड आद्विक यहाँ पे खेल रहे हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट जर्नी। तो नेहा, मैं, आद्विक एंड हमारे साथ में एक आंटी भी ट्रैवल कर रहे थे। सो आप देख सकते हैं बच्चे इसमें कितना इन्जॉय कर रहे हैं। उसके बाद में बस हम अभी जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए। प्रशा सब कुछ नया नया देख रही थी, तो उसको काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा था, तो वो आगे आगे दौड़े जा रही थी। मैं ट्राई कर रही थी कि वो जितना कंफर्टेबल रह सके उतना अच्छा है। फ्लाइट में हमें बच्चों के लिए इस तरह से बेल्ट दिया जाता है, जो हमें बेल्ट हमारे बेल्ट के साथ में अटैच करके बच्चों को टाई करना होता है। सो ड्यूरिंग टेक ऑफ और लैंडिंग हमें इसी तरह से बच्चों को हैंडल करना पड़ता है। सो फ्लाइट में हमें इस तरह से बेबी बास्केट मिलती है। तो प्रशा अभी काफ़ी आराम से सो रही थी। जितने टाइम वो सो रही थी या खेल रही थी आई शूटेड वीडियो, बट उसके अलावा मैं उसी का टेक केयर कर रही थी। तो इस तरह से अभी प्रशा अभी आराम से सो रही है। तो लेट्स चेक आउट कि मैं मेरे बैग में क्या क्या कैरी कर रही हूँ। मैंने प्रशा का डायपर बैग वाला वीडियो ऑलरेडी डिटेल में अच्छे से अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपने अगर नहीं चेकआउट किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरा जो बैग है, हैंड बैग है, वो स्लिंग टाइप है, ताकि मैं प्रशा के साथ आराम से कैरी कर सकूं। इसमें मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में पासपोर्ट रख लिए हैं, बोर्डिंग पासेस रख लिए हैं, येलो फीवर का कार्ड रख लिया है। सेकंड जिप में मेरे पास यहाँ पे कुछ हेयरबैंड्स है, क्लिप्स है और रुपीज़ है। उसके बाद में यहाँ पे भी अलग अलग पॉकेट्स है, अगर मैं कुछ चाहूँ तो वहाँ पे एडिशनल कुछ रख सकती हूँ। बाकी कोरोना वायरस की वजह से सैनिटाइजिंग हाइजीन काफ़ी मेंटेन करनी थी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक छोटा पॉकेट टाइप टिश्यू, वेट टिश्यू एंड एक सैनिटाइज़र, ऐसे ही मैंने स्लिंक में कैरी किया, ताकि मुझे प्रशा का बैग बार बार ओपन ना करना पड़े। उसके बाद में ये मेरा माइक है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, बट इसका मैं जो टॉप पार्ट होता है वो घर पे ही भूल गई थी, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई। सेकेंडली इसमें मैंने रखा था ईयरफोन्स, जो मैंने अभी यूज़ कर रही हूँ। एडिशनल मैंने क्लिप्स एंड रबर बैंड्स रखे थे, ताकि ऑन द वे परेशानी ना हो। साथ ही में मैंने यहाँ पर ये नोज़ल रख लिया है, अगर नाक वाक बंद हो तो यूज़ कर सके। थोड़ी बहुत जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने कैरी कर ली थी। ये दिव्य धारा है, इफ़ हेडेक हो जाता है या फिर नोज़ल ब्लॉक हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, मतलब हेडेक के लिए तो मैं काफ़ी अच्छे से यूज़ करती हूँ इसको। और क्या है नेक्स्ट, एक टूथपेस्ट है, एक फेस वॉश है, बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने इसी तरह से ऐसे ही बैग में रख ली है, कि बाई चांस अगर ज़रूरत पड़े तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। एक लिप बाम रख लिया है मॉइस्चराइजिंग के लिए, एंड वही छोटे बहुत रबर्स एंड क्लिप्स हैं। बैक साइड में भी एक जिप है, जिसमें मैंने सीफा यानी जो मेरी लोकल करेंसी थी वहाँ की वो रखी है। बस और कुछ नहीं, बस इतना ही सामान मैंने कैरी किया था, ज़्यादा लगेज कैरी नहीं किया था, कि प्रशा के साथ मैं अकेली सब कुछ हैंडल कर सकूँ और कंफर्टेबल रह सकूँ। सो ऑल इन ऑल बस इतना सा था हैंड बैग में। नाउ दिस इज़ अ मील। हमारी इथोपिया फ्लाइट में हमें जो लंच की मील मिली थी वो मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पर रेड सॉस पास्ता था, एक बहुत ही टेस्टी यमी सा केक था, बिस्किट था, बन था, चीज़, बटर, सैलड। मुझे ज़्यादातर करके पसंद नहीं आता है खाना फ्लाइट का, बट दिस केक वॉज जस्ट टू यमी। प्रशा ऑन द वे बहुत इन्जॉय कर रही थी, उठने के बाद में भी वो बास्केट में बहुत सारा इन्जॉय कर रही थी। यू कैन चेक इट आउट।
कि वो किस तरह से खेल रही थी। मैंने उसके लिए जो उसको खिलौने पसंद है वो दो चार खिलौने कैरी कर लिए थे ताकि वो उसमें बिजी रह सके। नेक्स्ट हमें इथोपिया एयरलाइन में इस तरह का फॉर्म दिया था जो हमें फ़ील करना कंपलसरी था इफ़ अगर इथोपिया से हम बाहर निकल रहे हैं तो। इफ़ हम एयरपोर्ट पे ही है तो ये फॉर्म यूज़ नहीं होगा, बट अगर आप इथोपिया से अगर बाहर निकल रहे हैं एयरपोर्ट से तो आपको ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने बॉम्बे में सबमिट किया था। उसी के साथ में बच्चों के लिए ये एक हुडी बैग दी थी जिसके अंदर बच्चों के लिए थोड़े बहुत खेलने के खिलौने थे जिससे बच्चे बिजी रह सके थोड़ा सा एंड उनका टाइम स्पेंड हो सके। सो उसमें बस ये एक पेन था, एक ही टॉय था साथ ही में, एक ये पजल गेम था। एक ये जॉइंट्स वाला गेम था एंड एक और चीज़ थी ये कलरिंग बुक्स विथ कलर्स। बच्चों ने इसको काफ़ी इन्जॉय किया बिकॉज वो काफ़ी छोटे थे पजल्स एंड वो जॉइंट गेम्स के लिए। एंड ये पाउच भी बहुत मस्त है, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। आफ्टर सम टाइम मैंने प्रशा को विंडो के पास ले गई थी ताकि वो थोड़ा और एंटरटेन हो सके एंड बिजी रह सके, अदरवाइज ऑन ट्रैवल बच्चे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं। बस मैं ट्राई कर रही थी कि प्रशा को जितना बिजी रख सकूँ उतना बिजी रखूँ। फाइनली हम इथोपिया पहुँच गए हैं एंड हमने मास्क लगा लिया था। वी वर लुकिंग एट बच्चों के रिएक्शंस कैसे होते हैं ये मास्क देखकर। इथोपिया पे हैज सच कोई चेकिंग नहीं हुई हमारी, बाकी स्मूथ जर्नी थी। नेहा की यहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट थी एंड मेरी मुंबई की। एक कॉफ़ी पी थी, बहुत ही टेस्टी एंड यमी थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट था उसका। थकान सारी आधी दूर हो गई थी जस्ट। फिर हमने हमारा गेट नंबर चेकआउट किया एंड हम हमारे गेट पे चले गए थे 1 आवर पहले ही, ताकि बच्चे लोग का अगर कुछ भी क्लीनिंग वगैरह करना हो तो हम गेट पे जाके आराम से कर सकते हैं। तो बस हम हमारे गेट की तरफ जा रहे हैं एंड नेहा एंड आतिक को हमने बाय बाय कह दिया था यहाँ से, और ये है इथोपिया एयरपोर्ट। एंड इथोपिया से अभी हमारी मुंबई की बोर्डिंग हो रही है। यहाँ पे हमें काफ़ी वेट करना पड़ा था, कुछ केप टाउन की फ़्लाइट लेट हो गई थी तो उसके लिए हमें यहाँ पे काफ़ी वेट करना पड़ गया था, ऑलमोस्ट 40 to 45 minutes, और फाइनली हमने फ़्लाइट बोर्ड कर ली थी। सो इथोपिया फ़्लाइट का ये बाहर का थोड़ा सा व्यू है। बस प्रशा यहाँ पे बैग्स के साथ मस्ती कर रही है थोड़ी सी। अभी तक हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई थी, फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई थी उसके बाद में मैंने प्रशा को बस अपना खाना खिलाया था एंड वो हार्डली 1 hour 2 hours तक उसने थोड़ी सी मस्ती की, थोड़ा परेशान किया, बट आफ्टर दैट वो सो गई थी बिकॉज अबिजान का स्लिपिंग टाइम हो गया था उसका। सो फिर उसने परेशान नहीं किया, फिर वो सो गई थी एंड डायरेक्टली बॉम्बे में जब हमारी लैंडिंग की बारी आई तब वो उठी थी। सो उस टाइम का मैंने आप लोग के लिए वीडियो शूट नहीं किया था बिकॉज मैं उसको हैंडल करने में बिजी थी। और ये फ़्लाइट फुल थी तो हमें काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी बिकॉज़ बच्चों को एकदम फुल फ़्लाइट में हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर बाजू वाली सीट भी फुल हो तो। सो फाइनली अभी प्रशा सो गई थी एंड ये देखिए मॉर्निंग का व्यू, सनलाइट कितने पास से सन दिख रहा है एंड इतना ब्यूटीफुल व्यू था ना, सनराइज़ का व्यू मैं आप लोग के लिए कैप्चर नहीं कर पाई वरना वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था, बहुत अमेजिंग। सो बस अभी हम मुंबई पे लैंड करने वाले हैं। एंड मुंबई पे भी हमें इस तरह का फॉर्म दिया था जो हमें हर एक पर्सन के लिए 2 फॉर्म भरने थे एंड इस तरह से हमारी चेकिंग हो रही थी, और अगर स्पेसिफिक कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको स्क्रीनिंग के लिए जाना था।
सो फाइनली आफ्टर 21 आवर्स जर्नी हम घर पहुंच गए हैं. बच्चे काफ़ी खुश थे प्रशा के साथ में. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया होगा तो लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट बी पैनिक. कीप हाइजीन एंड बी हेल्दी. स्टे ट्यून्ड. कीप वॉचिंग.